इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक का यूज किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना एक पेपर के ऊपर एक कटिंग की हुई है। इस कटिंग को फ्रेंड्स ऑक्टागॉन कहते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं ना तो इस टाइप की जो शेप्स हैं वो आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएंगे। अब इस कटिंग के ऊपर ना मैं फेविकॉल का यूज करने वाला हूँ, तो मैं इस फेविकॉल को इस कटिंग के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लूंगा। अब उंगली से मैं इसे है ना थोड़ा थोड़ा फैला लूंगा ताकि अच्छी तरीके से ये फेविकॉल इस पे लग जाए। अब इन आइसक्रीम स्टिक को ना मैं एक एक करके इस कटिंग के ऊपर फिक्स करूंगा अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स जब तक मैं इन स्टिक को यहाँ पे फिक्स करता हूँ तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ। सभी स्टिक को मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स कर लूँगा और फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसे ना थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दूंगा। तो फाइनली फ्रेंड्स कुछ देर बाद ये है ना सूख के रेडी हो चुका है। अब इस कटिंग को फ्रेंड्स मैं यहाँ से कैंची की मदद से काट लूँगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हो सकता है वीडियो का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाएँ। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कटिंग है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। अब मैं यहाँ पे एक स्पीकर ले लूँगा। इस स्पीकर को फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बीचों बीच रख के एक राउंड मार्किंग करूँगा। ये जो स्पीकर है 3 ओम और 5 वाट का स्पीकर है ये। तो यहाँ पे इसकी जो मार्किंग है वो भी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मार्किंग मैंने की थी, इस मार्किंग के अंदर भी एक छोटी मार्किंग मैंने की हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ये जो स्पीकर है ना वो अंदर की तरफ से लगाना है। अब अंदर की तरफ जो मैंने मार्किंग की है ना उसे मैं कटर की मदद से यहाँ से काट लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो कटिंग है वो मैंने कर दी है। अब सैंड पेपर से ना मैं इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी सैंड पेपर से फिनिशिंग भी कर दिया। अब आप यहाँ पे ये जो इसके किनारे देख रहे हैं ना इसके लिए फ्रेंड्स मैं छोटी छोटी कटिंग कट करूँगा। तो इसके लिए ना मैं एक आइसक्रीम की स्टिक ले लूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो आगे के राउंड वाली ये शेप है ना इसको मैं यहाँ से काट लूँगा। अब इस आइसक्रीम स्टिक को ना मैं इस शेप के किनारे पे रख के एक मार्किंग कर लूँगा जिससे कि ये बराबर मैं काट सकूँ। तो यहाँ पे ये जो आइसक्रीम की स्टिक कट की है ना फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार से लग जाएगी। पहले मैं इसे यहाँ पे उल्टा कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे फेविबॉन्ड का यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड्स फेविबॉन्ड से ना ये काफ़ी जल्दी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ना काफ़ी सारी स्टिक छोटी छोटी कट कर ली है जिनको मैं इनके साइड के किनारों पर फिक्स कर दूंगा। पहले मैं कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ना इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। छोटी छोटी जितनी स्टिक थी वो मैंने सभी लगा दिया और इसके साइड साइड से ना फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फेविबॉन्ड लगा दिया है ताकि ये लूज ना रहे कहीं से, अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अब फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे सेम साइज़ के 2 पीस तैयार कर लिए हैं। ऐसे हमें फ्रेंड्स यहाँ पे 2 पीस चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टिक ले लूँगा और इनके जो आगे के राउंड वाले किनारे हैं ना दोनों तरफ से मैं इन्हें काट दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऐसी ही काफ़ी सारी स्टिक जो है वो कट कर ली है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉपी का पन्ना ले लिया है। इस कॉपी के पन्ने पे ना फ्रेंड्स मैं फेविकॉल को अच्छी तरीके से लगा दूंगा ताकि मैं इन स्टिक को एक एक करके इसके ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स कर सकूं। फ्रेंड्स मेरे पास जो ब्लूटूथ स्पीकर पड़ा हुआ था उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब देखने में यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उसका सारा तामझाम जो था स्पीकर वगैरह सब निकाल लिए। तो अब मैं यहाँ पे उसके लिए एक बॉडी तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को फिक्स कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना सूख के एकदम रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पे कुछ और स्टिक ऐड कर दिए हैं ताकि कम ना पड़े। अब मैं कटर की मदद से ना यहाँ पे 2-2 स्टिक का जो पैर है उसे मैं यहाँ से काट लूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना 2-2 स्टिक के पैर्स को यहाँ पे काट लिया है। तो यहाँ पे काफी सारे पैर्स जो है वो हो चुके हैं। अब इन दोनों पीसेस में से ना किसी भी एक पीस को मैं यहाँ पे ले लूँगा और इसके अंदर ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास जो स्पीकर है इसे मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे फेविबॉन्ड का ही यूज़ करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से फेविबॉन्ड से ना ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा इसके साइड साइड से भी फेविबॉन्ड लगा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बचा हुआ दूसरा पीस था ना उस पर भी मैंने एक स्पीकर फिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब जो मैंने 2-2 स्टिक के जो पैर कट करके रखे हुए थे ना इनको मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले मैं क्या करूँगा, इनके ना साइड साइड से फेविबॉन्ड डाल के इनको अच्छी तरीके से फिक्स करूँगा। तो जल्दी से फटाफट मैं इनको कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने इन्हें कैसे फिक्स किया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो दो के जितने भी पेयर थे सभी को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ना यहाँ पे दो पेयर यहाँ लगेंगे, दो पेयर यहाँ लगेंगे, तो ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये जो दो दो के पैर आपस में फिक्स किए हैं ना, इनके ऊपर मैं अच्छी तरीके से फेवी बॉन्ड लगा लूंगा ताकि मैं अब इनको फिक्स कर सकूं। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ना इसे किस प्रकार से यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना दो पैर यहाँ वाले बच गए हैं और दो पैर यहाँ वाले बच गए हैं, तो इन्हें हम बाद में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैंने एक ओल्ड ब्लूटूथ स्पीकर से बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चार्जिंग जैक है, ऑक्स है, और ये USB, और साथ ही साथ एक LED इंडिकेटर जो दिया है ना, इसके लिए फ्रेंड्स हम एक कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो दो आइसक्रीम स्टिक के पेयर बनाए थे ना, उसके अंदर मैं इसके लिए कटिंग करूंगा। तो आप देख सकते हैं टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कटिंग कर ली है, और ये जो कटिंग है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। तो इसे भी यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैं फेविबॉन्ड का ही यूज़ करूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं इसे किस प्रकार से यहाँ पे फिक्स करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे ना मैंने खड़ा करके नहीं फिक्स किया है, बल्कि इसको मैं लेटा के यहाँ पे फिक्स करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसके स्पीकर का जो कनेक्टर है ना, इसे मैं यहाँ पे लगा लूँगा ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्पीकर के अंदर जो कनेक्टर लगा हुआ था उसे मैंने यहाँ से निकाल लिया था, और इसको निकालने के बाद ना इसके अंदर दो वायर अलग से कनेक्ट किए हैं। तो दूसरे स्पीकर का जो टर्मिनल है ना, उससे मैं इसे कनेक्ट कर लूंगा। इसके कनेक्शन फ्रेंड्स स्पीकर में मैं बाद में करूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक बैटरी है, तो इस बैटरी का भी जो टर्मिनल है ना बैटरी वाला, तो उसी के साथ मैं इसे भी कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं इसको ना अच्छी तरीके से पहले यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, इसकी बैटरी को अंदर की तरफ कर देता हूँ ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर सकूं। अब यहाँ पे इसे भी मैं फेविबॉन्ड की मदद से अच्छी तरीके से चिपका दूंगा ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आइसक्रीम स्टिक का एक और पैर मैंने यहाँ पे ले लिया, और इसके अंदर ना आप देख सकते हैं चार बड़े होल हैं। ये जो होल हैं इसलिए मैंने किए हैं ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे होल किए हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको भी यहाँ पे फिक्स कर लूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया ना, तो यार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे ना मैंने फेविबॉन्ड से अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे इसे मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा करके फिक्स किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैटरी है ना, इसे भी मैं फेविबॉन्ड से अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम की स्टिक ले लिया, आप देख सकते हैं ये ना यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिक्स कर दूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं, तो पहले मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी मैंने यहाँ पे फेविबॉन्ड से फिक्स कर दिया है। अब अंदर की तरफ फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो स्पीकर के वायर हमने अलग से कनेक्ट किए थे ना फ्रेंड्स, इन्हें भी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए कनेक्ट कर दूंगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे दोनों वायरों को स्पीकर के कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगा, इसके ढक्कन को मैं लगा लूँगा। अब इस ढक्कन के जो साइड साइड के किनारे ना, इसके ऊपर मैं फेविक्विक डाल के इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगा। तो फाइनली फ्रेंड्स इसका ये जो ढक्कन है ना, इसे भी मैंने फेविक्विक से फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट ना इंडिकेट कर रही है, तो ये हमारा जो स्पीकर है ये चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना इसे ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन है ना ऑन ऑफ, और साथ ही साथ मोड चेंज करने के लिए है। जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना FM मोड हो जाएगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स मैं ना आपको इसकी साउंड टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक वीडियोस नहीं मिलने वाली, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।